हेलो एंड जोहार फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग हैं पेटरवार में, पेटरवार से तेनू घाट जाने वाला रोड में हूँ। यहाँ आज हम लोग जा रहे हैं खुट्टा बाबा, जो पेटरवार से 8 से 10 किलोमीटर दूर है। जगह पड़ता है ओरदाना। तो खुट्टा बाबा फेमस है मन्नत मांगने के लिए, कोई विश मांगने के लिए वहाँ पे लोग मन्नत मांगते हैं, विश मांगते हैं। एक दोस्त का विश पूरा हो गया है तो वो वहीं गया हुआ है, तो हम लोग को भी बुलाया है, तो हम लोग जा रहे हैं वहीं पे। अब देखते हैं वहाँ क्या होता है, तो चलिए चलते हैं। रुक 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 रुक, पहुँच गए पहुँच गए। तो हम लोग तक खुट्टा बाबा पहुँच गए हैं। यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ गया था तो गाड़ी मोड़ रहे हैं। ये देखिए, कोई ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, ये है खुट्टा बाबा आपका, शायद मेन मंदिर यही लग रहा है। ये है, ये दोस्त लोग बैठा हुआ है। खुट्टा बाबा भगवान शंकर का एक रूप है, जिससे लोग मन्नत मांगते हैं। और ये माता रखनी का मंदिर है छोटा सा, और ये वो बकरा है जिसका चढ़ावा चढ़ेगा दोस्त के द्वारा। तो चलिए आगे का कैंपस दिखाता हूँ। ये है शायद मैन मंदिर। कुछ ज़्यादा खास नहीं है जगह यहाँ, आपको दूर से पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ कुछ है। तो जब भी आइएगा आराम से आइएगा, क्या कि रास्ता में कहीं पता वैसा पता नहीं है। यहाँ का खास बात यह है कि यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं मन्नत मांगने। तो मैन मंदिर ये है देखिए, और ये है आपका जगह और दाना में है। कैंपस बड़ा है लेकिन वैसा कंस्ट्रक्शन नहीं है, कहीं पे जगह जगह पे होटल बने हुए हैं। तो अब चलिए आपको मुख्य मंदिर में ले चलता हूँ, जहाँ बलि होती है। ये देखिए मुख्य मंदिर, यहाँ पे बलि होती है। बकरा देखिए वहाँ पे है। अंदर नहीं जा रहा हूँ मैं, कैमरा अलाउ नहीं है अंदर। यहाँ का मुख्य चढ़ावा सफ़ेद मुर्गा और सफ़ेद बकरा ही है, लगता है एक बलि हो चुका है। देखिए एक मुर्गा का बलि। और जब यहाँ लोग विष मांगने आते हैं उस समय शायद काला मुर्गा का चढ़ावा चढ़ता है। बकरे का बलि बाहर होगा और मुझसे किसी का बलि देखा नहीं जाता है। तो डायरेक्ट अब आपको सब कुछ रेडी होने के बाद मिलाता हूँ खाने के टाइम। तो चढ़ावा का जो भी यहाँ बनता है एज ए प्रसाद के रूप में यहीं खा के ख़त्म करना होता है, घर या कहीं ले के नहीं जा सकते आप। इसीलिए देखिए यहाँ भीड़, एक ग्रुप इधर है। तो चलिए मैं भी जाता हूँ प्रसाद खाने के लिए एक दूसरा ग्रुप के साथ। तो मिलता हूँ अगला ब्लॉग में।